हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ बस्तर ट्राइबल होम स्टे में। तो दोस्तों, रात में हम यहाँ रुके हुए थे। पूरा अस्त व्यस्त है और गांव में एकदम ट्राइबल गांव है और यहाँ केवल टूरिस्ट के लिए घर को बनाया गया है। चारों तरफ प्लग लगा दिए गए हैं ताकि इक्विपमेंट अपना जो है कैमरा मोबाइल सारी चीज़ें चार्ज आसानी से हो सके। लाइट रहती है यहाँ और चले। ये अपने कौशल बाबा और हमारे रूम को देखे हो, हम कितना गंदा करके रखे हैं। ये बॉयज का रूम है, टॉयलेट ये आप देख रहे हैं, यहाँ टॉयलेट बना हुआ है, वॉशरूम है, नहा भी सकते हैं। एक और यहाँ पे बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये स्पेशली वेस्टर्न टॉयलेट बन रहा है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्ट है और बहुत जल्द ये बन जाएगा। इसके सामान टाइल्स वगैरह काफ़ी कुछ आ चुके हैं। जिस दोस्तों, यहाँ पर नीचे में आग लगाया गया है और ऊपर में झूला जैसे कुछ में ये बांस के कुछ बने हुए हैं, ऊपर में सामान रखने का जगह है। तो यहाँ पर भैया मछली सुखाने वाले हैं इसमें, तो इसमें मछली भूजेंगे। और यहाँ के घर में देखेंगे तो ऊपर में पत्थर का छप्पर बना हुआ है। यहाँ के सभी घर में पत्थर के छप्पर देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर बहुत सारे नीम के पेड़ हैं। और आगे में बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, बकरी है, गाय बैल हैं, अभी चरने के लिए गए हैं। अगर ये है अपना किचन। तो यहाँ बहुत सारे ट्राइबल होम स्टे हैं गांव में, है जो एकदम यूनिक तरीके है, जो पुरानी कल्चर और एकदम प्योर फॉर्म में है, वो सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। अंदर अगर जाते हैं गांव में, हिडन प्लेस है और बहुत खूबसूरत है वहाँ का कल्चर, वहाँ डांस, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अभी फिलहाल अपन चलते हैं खाना खाने के लिए इस तरफ। आइए चलते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार। सर का तो अलग ही रूप दिखाई दे रहा है। अलग दिख रहा है। मैं गलत जगह बैठा हूँ? ठीक है ना? अरे इधर भी बैठो, बैठ जाओ। ये क्या चटनी है? चापड़ा। चापड़ा चटनी। वाह यार, चापड़ा। देखो देनो ना, इधर दे, उधर दिखा दे। फुल फर्मेंटेड हो गया है। और रिकॉर्ड कर रहे हो? अर्णव भाई, आप भैंस प्रजाति में आते हो और आपके लिए चारा की व्यवस्था की जाएगी। डेटा काय खराब कर रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तोता को, खुद झूला झूल रही है, खुद को झूला रही है। क्या क्या खाना, सब्जी वगैरह, ये डिपार्टमेंट इनका है, होम मिनिस्ट्री का। बाकी गिनता भैया तो अन्य चीज़ों के लिए रहेंगे, तो दीदी से जानते हैं। दीदी, क्या क्या बनाते हो आप सब्जी वब्जी? सब्जी में हम लोग सब्जी में वही जंगल तरफ से कांदा मिलता है सर। कांदा आप ही लोग लेके आते हैं? नहीं, खरीदते हैं, खरीदते हैं बाजार में, जो लोकल अच्छा, बाजार अच्छा, रहता है उसी से खरीदते हैं। सरदा कांदा बोलते हैं। हाँ। फिर नातर गरिया कांदा है। नातर गरिया वही नागर कांदा होता है ना? हाँ, बड़ा वाला मोटा सा? नहीं, सरदा कांदा अलग टाइप का रहता है, जंगल तरफ मिलता है। अच्छा। वो नागर कांदा बोलते हैं ना, वो घर में भी लगाते हैं। अच्छा। उसको भी बना के खिलाते हैं। फिर तरगरिया कांदा। अच्छा। और दाल वाल में? दाल में उड़द दाल। उड़द दाल, उड़द दाल है हमारे तरफ तो। उड़द दाल वही क्या बोलते हैं, कोलत दाल बोलते हैं। कोलत दाल। हाँ। अच्छा। काला टाइप का दिखता है वो भी है। और फिर भदई दाल। भदरी दाल, भदई दाल। ये सब यूनिक नेम है, मैं इन सबको नहीं सुना हूँ। खाया तो जरूर हूँ लेकिन ना, ये सब नाम बहुत यूनिक है। नहीं, देसी तरह इधरी मिलता है। इधरी मिलता है? लोकल, स्थानीय लोग लगाते हैं। तो आप लोग लगाते भी हैं कि खरीदते हैं? नहीं, खरीद लेते हैं सारा चीज। वो तो भैया लेके आ भी रहे हैं। क्या क्या लेके आ रहे हो भैया? बाजार से। क्या क्या लेके आ रहे हो बाजार से? ये सब्जी। क्या क्या सब्जी लाए हो? भाजी। भाजी, तरकारी, पालक। वो कोचई भी एक बड़ा सा आता है ना आप लोगों की तरफ? वो मिलता है, घर में लगाए थे सर। आप लोग लगाए थे? अच्छा अच्छा। उसको भी खिला देते हैं कभी कभी। और चावल? चावल वही मोटा चावल में बोलने ना, जैसे देसी तरफ से मिलता है, गुरमुटिया बोलते हैं। गुरमुटिया। हाँ, गुरमुटिया धान का चावल होता है। फिर अच्छा। मंचा धान का। हाँ। लाल टाइप का दिखता है, उसका खिला देते हैं। शहरी खाना नहीं खाते हो ना आप लोग? नहीं खाते हैं, इसीलिए आप लोग मजबूत हैं। आज का होम स्टे बस्तर ट्राइबल होम स्टे, जिसको शकील रिजवी सर चलाते हैं, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल नीचे में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप यहां आके यहां के जो ट्राइबल होम्स है, यहां के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहां का जंगल, जो लोकल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो यहां का पहनावा है, यहां का रहन सहन है, यहां के जो मार्केट, यहां के फूड, लोकल फूड, जो ज़्यादातर बाहर
यहाँ बस्तर के अलावा और कहीं देखने के लिए नहीं मिलते, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी।